Hello dear students, today we will discuss about general mechanism of muscle contraction. आज हम पेशी संकुचन की सामान्य जो क्रियाविधि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. इससे पहले हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर के बारे में पढ़ा था. पेशी संकुचन के दौरान जैसा कि आपको पता है रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है या परिवर्तन होता है, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक घटनाएं होती हैं, उसके बिना यह संभव नहीं होता है. तो आज के इस ऑनलाइन जो वीडियो क्लासेज हैं उनमें हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. जनरल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, द इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप्स. देखिए, जैसा कि आपको पता है जो इसकी पहली स्टेप है एन एक्शन पोटेंशियल यानी क्रिया विभव अलोंग ए मोटर नर्व. जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था या देखा था कि जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं हैं टू इट्स एंडिंग ऑन मसल फाइबर की जो इनके जो अंतस्थ बिंदु हैं उसके साथ साथ चलता है. एट ईच एंडिंग द नर्व सीक्रेट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, उसका जो अंतिम जो शिरा है प्रत्येक शिरा, अगर हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक्सॉन्स है, उसके एंडिंग्स बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होते हैं और वहां पर जो एंडिंग है वहां से एक न्यूरोट्रांसमीटर एक सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ है और जिसका नाम है एसिटाइल कोलीन. क्या नाम है? एसिटाइल कोलीन. ये सीक्रेट होता है किसके द्वारा? ईच एंडिंग ऑफ नर्व है. कौन सी? मोटर नर्व. नेक्स्ट, ये यहां पर आपको डायग्राम दिखाया गया है रिलैक्स्ड एंड contracted stage and states of myofibril showing top sliding. ऊपर की जो डायग्राम है जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं, देखिए स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स पिंक. यहां पर आप जो ये रेड वाले और ये भी रेड, इनके बीच में जो पिंक हैं ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं? स्लाइड हो रहे हैं इनटू द स्पेसेस बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट्स. मायोसिन कौन से हैं? रेड वाले और पिंक वाले कौन से हैं? एक्टिन है. और वो एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड हो रहे हैं किसके मध्य? मायोसिन फिलामेंट्स के मध्य. नीचे वाले में आप देख सकते हैं पुलिंग ऑफ जेड मेम्ब्रेन. दो जेड मेम्ब्रेन के बीच की जो दूरी थी उसको हमने सार्कोमियर नाम दिया था. तो वो एक दूसरे को पास खींच रहे हैं. देखिए यहां पर ये जेड और ये जेड, ऊपर वाले में यहां पर और यहां पर, दोनों जेड रेखाएं पास में आ गई है. हुआ क्या है कि एक्टिन फिलामेंट की स्लाइड करने के कारण ऐसा संभव हुआ, लेकिन ये कैसे संभव हुआ इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. नेक्स्ट, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं या जो तंत्रिका पेशी संधि या तंत्रिका प्रभावी संधि है वहां पर जो ये एंडिंग्स हैं स्थित होते हैं न्यूरो इफेक्टर जंक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के नाम से भी जानते हैं. और अगर रेस्टिंग स्टेज में अगर पेशी तंतु की सार्कोलेमा को देखा जाए
तो वो ध्रुवित अवस्था में पाई जाती है या ध्रुवित अवस्था में रहती है। इसकी आंतरिक सतह पर की अपेक्षा आंतरिक सतह बाह्य सतह की अपेक्षा नेगेटिवली चार्ज होती है और इन दोनों सतहों के बीच लगभग 0.1 वोल्ट का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी रेस्टिंग जो स्टेज है उसमें सार्कोलेमा है, जो कैसी अवस्था में होती है, पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। जैसी लेकिन जैसे ही तंत्रिका आवेग पहुंचता है, तंत्रिका का जो अंतिम सिरा है वहां से विध्रुवण की क्रिया, डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और ये विध्रुवण की प्रक्रिया कैसे होती है उसको समझाने से पहले बता देता हूं कि विध्रुवण की स्थिति में एक्सोन की जो आंतरिक सतह धनावेशित होती है तथा इस प्रकलाविभव क्या होता है प्लस 30 मिलीवोल्ट और इस कलाविभव के प्रभाव से अनेक एसिटाइलकोलीन के आसे मुक्त होकर सिनेप्टिक विदर में आ जाते हैं और ये एसिटाइलकोलीन आसे सार्कोलेमा को धन आयनों के प्रति पारगम्य बना देते हैं, जिससे तंत्रिका तंतु की सतह क्या हो जाती है, विध्रुवित या डीपोलराइज्ड हो जाती है। यानी जो आपके एसिटाइलकोलीन है, देखिए एसिटाइलकोलीन एक्ट्स ऑन ए लोकल एरिया ऑफ द मसल फाइबर टू ओपन मल्टीपल एसिटाइलकोलीन गेटवे चैनल्स, ये खुल जाते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन द मेम्ब्रेन, इनके अंदर फ्लोट होना चालू हो जाते हैं। ओपनिंग ऑफ द एसिटाइलकोलीन गेटवे चैनल्स अलाउ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सोडियम डिफ्यूज टू द इंटीरियर ऑफ, यानी जो धनायन है वो अंदर की ओर जाते हैं। दिस इनिशिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करते हैं, एक क्रिया विभव की शुरुआत करते हैं एट द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सार्कोलेमा। द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द मसल फाइबर, ये मसल फाइबर की सार्कोलेमा के साथ साथ चलता है। इन द सेम वे, जिस प्रकार से तंत्रिका जो मेम्ब्रेन होती है जिस पर एक्शन पोटेंशियल चलता है, ठीक उसी प्रकार से एक्शन पोटेंशियल किस पर चलता है, मसल फाइबर की सार्कोलेमा पर। और जैसे सार्कोलेमा के विध्रुवित होने के तुरंत बाद ये आसे या जो सिनेप्टिक जो विधा है उनको कोलीन स्ट्रेज नामक एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और इनके नष्ट होने की प्रक्रिया है वो बहुत ही मिली सेकेंड में पूरी हो जाती है। और लगातार अगर एक तंत्रिका तंतु को 150 से अधिक बार लंबे समय तक एक्साइटेड या उत्तेजित किया जाए तो इन आशयों की संख्या कम हो जाती है और पेशीय संकुचन है उनकी क्रियाविधि अवरुद्ध हो जाती है और जिससे तंत्रिका पेशी संधि में फेटिग्यू या श्रांति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही तंत्रिका अवर्ग पेशी संधि पर सार्कोलेमा उत्तेजित होती है और ये जो उत्तेजन की प्रक्रिया है सार्कोलेमा के विध्रुवण से चालू होती है और सार्कोलेमा का विध्रुवण या डिपोलराइजेशन तंत्रिका के अंतिम सिरों पर स्थित आधारपाद से बाहर निकले एसिटाइलकोलीन के सार्कोलेमा पर उपस्थित ग्राहियों के संपर्क में आने से होता है। विध्रुवण की यह तरंग सार्कोलेमा पर उपस्थित नलिकाओं के द्वारा या मुख्य द्वार से पेशियों के अंदर प्रवेश करती है और अनुप्रस्थ नलिकाएं एवं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपस में जुड़े होने के कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, यानी पहले तो किसका विध्रुवण हो रहा है, सार्कोलेमा का, और उसके बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी विध्रुवण होता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम आयन, क्या होते हैं, कैल्शियम आयन क्या होते हैं, देखिए यहां पर नेक्स्ट, देखिए यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम आयन, जो
एक अट्रैक्टिव फोर्स उत्पन्न करते हैं, किसके मध्य, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, जिसके कारण वो फिलामेंट स्लाइड करते हैं ईच अदर अलोंग साइड ईच अदर विच इज कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस। और ये संकुचन की प्रक्रिया है, क्या है, संकुचन की प्रक्रिया है। इस प्रकार से पहले सार्कोलेमा का विध्रुवण, उसके बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयनों का संग्रह और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के विध्रुवण के फलस्वरूप क्या होता है, कैल्शियम आयन बाहर निकाल दिए जाते हैं। कहां से, जो सार्कोलेमा थी या सार्कोप्लाज्म था वहां से बाहर निकाले जाते हैं, वापस किसमें, तो ये सार्कोप्लाज्म में देखे जाते हैं। और सार्कोप्लाज्म, ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में उपस्थित संकुचनशील सूत्रों यानी एक्टिन और मायोसिन का सक्रियण करते हैं, फलस्वरूप एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के मध्य क्रॉस ब्रिज बनते हैं। पेशीय तंतुओं में संकुचन की क्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात कैल्शियम आयनों को पुनः सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाता है, और यह प्रक्रिया या भेजने के लिए सांद्रता प्रवणता के विपरीत इनको भेजा जाता है, इसलिए उसमें इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कैल्शियम आयन्स आर पंप बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले तो सार्कोप्लाज्म में आए, उसके बाद में विध्रुवण की प्रक्रिया हुई, विध्रुवण सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेटिकुलम अंटिल ए न्यू मसल, जब तक वापस दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तब तक ये स्टोर रहेंगे। जैसे ही यहां पर दोबारा एक्शन पोटेंशियल आएगा, यहां पर पुनः रिपीटिंग या रिपीटेशन स्टार्ट होगा। अलोंग दिस रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द मायोफाइब्रिल कॉजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन टू सीज, यानी इस प्रकार से जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसका प्रोसेस है, और आठ बिंदुओं के द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं। धन्यवाद।